प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के बाद झुंझुनू पहला जिला होगा जहां कोरोना संदिग्धों के सैंपलों की जांच हो सकेगी। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, साथ ही बजट भी जारी कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले 7 से 10 दिनों में यह लैब स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि झुंझुनू के BDK अस्पताल में जल्द ही कोरोना जाँच के लिए लैब स्थापित होगी। सरकार ने इसके लिए 10 लाख का शुरुआती बजट आवंटित कर दिया है। वहीं PMO डॉक्टर शुभकरण कालेरा ने बताया कि झुंझुनू में PCR लैब के स्थापित होने के बाद अन्य जांचों में भी सुविधा मिलेगी और कोरोना संक्रमण को रोकने में भी फायदा मिलेगा। अभी 3-4 रोज पहले हमारे पास डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन से एक मेल भी आया, साथ में फोन भी आया कि आपके यहाँ कोरोना के लिए PCR लैब एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत हमसे इसका जगह चिन्हित करने के लिए जगह मांगी और साथ में ये कहा कि भाई 10 लाख रुपए आपको इसकी रिपेयर और जो कंज्यूमेबल आर्टिकल्स हैं इनके लिए हम भिजवा रहे हैं, आप इसको फटाफट तैयार करवाइए। तो हमने तुरंत उसका जगह को चिन्हित करके जो जो हमारे पास सखी सेंटर पहले चलता था रेड क्रॉस भवन में, उसमें ये लैब हमने एस्टेब्लिश करने